और अहम कौमी मसले पर पार्लियामेंट से रिजू किया गया। कौमी सलामती दिफा से जुड़े मामलात सियासत से पाक होने चाहिए। मुआवनी खुसूसी फिरदौस अशोक आवान का तकरीब से खिताब, कहा उम्मीद है पार्लियामेंट मसले को हमेशा के लिए हल करेगी। सिविल और मिलिट्री क़यादत पर हर महाज पर पाकिस्तान का मस्बत तशख्खुस उजागर करेगी। अपोजिशन जमात महब वतन और कौम सलामती की जामिन है, अपोजिशन अहम मसाइल पर इत्तेफाक करेगी। तो मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि पार्लियामेंट जो है अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करते हुए इस इशू को वंस फॉर ऑल सेटल करेगी और पाकिस्तान का जो आगे बढ़ने का सिलसिला है, पाकिस्तान का जो दुनिया को और स्पेशली इस खिते को लीड करने का अज़्म है, उसमें हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मिल के पाकिस्तान को माशी महाज पे, सफारती महाज पे और हर तरह के बैन अल-क़वामी फोरम में एक नए इमेज के साथ, एक नई सोच के साथ पाकिस्तान के उस तशख़्ख़ुस को बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगी और हमें पाकिस्तान की एक दरख्शां और रोशन चेहरा दुनिया के सामने मुतारफ़ करवाया जाएगा और आप सब उसमें हिस्सेदार होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।